और उसके बाद लगातार एक के बाद जिस तरह की घटना आ रही, कभी बहन बेटियों का बलात्कार करके हत्या हो रही है, कभी हमारे भाइयों की मूछ रखने पर हत्या हो रही है, कभी हमारे भाइयों की घड़े छूने पर हत्या हो रही है, कभी हमारे भाइयों की मंदिर प्रवेश पर या मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है। और ऐसी किसी भी मान्यता को, जो मान्यता हमारे साथ पक्षपात करती है, जो मान्यता हमें अंधकार में डालती है, जो मान्यता हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करती है, जो मान्यता हमें प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान से वंचित करती है, ऐसी किसी भी मान्यता को हम लोग नहीं मानेंगे। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से डरते भी हैं, उनसे नफरत करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मिठाई पहुँचाऊंगा जिस दिन वो मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। एक ही उद्देश्य है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब 1935 में जाति तोड़क मंडल ने उनको लाहौर में बुलाया तो वहाँ बेसिकली उनका एक ही सवाल था जिस पे बाबा साहेब को बोलना था कि जाति कैसे ख़त्म हो। उसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लिखित भाषण मांगा गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखित भाषण दिया और जाति तोड़क मंडल के जो सदस्य थे वो आर्य समाज के लोग थे। उन्होंने जब उस भाषण को पढ़ा तो उन्होंने कहा, बाबा साहेब या तो आप इसमें कुछ चेंज कर दो हमारे कहने से, वरना हम आपको बुला नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि चेंज करना तो दूर की बात है, मैं एक कोमा और मात्रा भी नहीं हटा सकता, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने पूरा जो हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद है वो किस हद तक पूरे देश को खोखला कर रहा है, किस हद तक देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, किस हद तक उन नस्लों को उसने तबाह कर दिया, उसका पूरा चित्रण पूरा वैज्ञानिक तरीके से पूरा साइंटिफिकली और रिसर्च करके जो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो लिखा था, जब उन्होंने बाबा साहेब को बुलाने से मना कर दिया तो वो भाषण बाबा साहेब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश उसके रूप में छपवाया और फिर जाति खत्म करने का पूरा जीवन उन्होंने अपना लगाया, लेकिन जाति खत्म नहीं हुई। आज ही हम देख रहे हैं, पिछले कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर में जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया कि आप राष्ट्रपति हैं लेकिन दलित हैं और दलित को मंदिर में हम नहीं घुसने देंगे। और उसके बाद लगातार एक के बाद जिस तरह की घटना आ रही, कभी बहन बेटियों का बलात्कार करके हत्या हो रही है, कभी हमारे भाइयों की मूछ रखने पर हत्या हो रही है, कभी हमारे भाइयों की घड़े छूने पर हत्या हो रही है, कभी हमारे भाइयों की मंदिर प्रवेश पर या मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, तो फिर कभी घोड़ा खरीद लें तो भी हत्या हो रही है, घोड़ी पर बारात निकाल रहे तो हमला हो रहा है। तो आए दिन जिस तरह का उत्पीड़न है, इसका मतलब जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमारा जो संघर्ष है वो कोई कुर्सी बचाने का, MP MLA बनने का, राजनीति करने का, ये बिल्कुल आप समझ लीजिएगा राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब हिंदू कोड भी लेकर आए 1951 में, क्यों लाए थे? वो इसलिए लाए थे क्योंकि हिंदू महिलाओं को अगर पति मर जाए जवानी में तो भी उनको दूसरी शादी करने का हक नहीं था, और इसके साथ साथ अगर पति छोड़ दे तो उनको गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था, और पति अगर जालिम और क्रूर हो तो उन्हें तलाक का हक नहीं था, पति की संपत्ति में पिता की संपत्ति में हक नहीं था, बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1951 में भारत की संसद में हिंदू कोड भी लेकर आए, लेकिन पूरी संसद सारे सांसद बाबा साहेब के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू महिलाओं को अधिकार देना ये हिंदू धर्म पर हमला है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अगर मैं अपने देश की महिलाओं को उनके मान सम्मान के लिए उनके हक अधिकार को नहीं दिला सकता तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो जिस गौरव की अनुभूति उस वक्त बाबा साहेब को रही होगी, मुझे ये इस्तीफा देने के बाद उसी तरह के गौरव की अनुभूति हो रही है कि मेरे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या की जा रही है, आए दिन रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है, मेरे समाज के युवाओं की हत्या की जा रही है, घोड़ी पर चलने पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे मंत्री बने रह के हम राजनीति करें, MP बने, MLA बने, लेकिन अपने समाज की लड़ाई को ना लड़ पाएं तो फिर ऐसे बने रहने का कोई फायदा नहीं है। इस पीड़ा से मैंने संकल्प लिया कि अब मैं बाबा साहब का वो सपना जो था जाति खत्म करना, उसके संकल्प के साथ हम आज से अपने इस न्याय के लिए इस लड़ाई को शुरू करेंगे और हमने इसके लिए नाम दिया है जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा। तो आज की जो यात्रा है वो जाति उन्मूलन के शुरुआत के लिए संकल्प के लिए है। वो संकल्प हम बाबा साहेब की 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहेब रहे और उन्होंने उनका महापरिनिर्वाण वहाँ पर हुआ, वहाँ जाकर बाबा साहेब को पुष्प अर्पित करके पूरे सारे साथियों के साथ हम लोग ये संकल्प लेंगे कि हम अब भारत से जातिवाद खत्म करके रहेंगे। और ऐसी किसी भी मान्यता को, जो मान्यता हमारे साथ पक्षपात करती है, जो मान्यता हमें अंधकार में डालती है, जो मान्यता हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करती है, जो मान्यता हमें प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान से वंचित करती है, ऐसी किसी भी मान्यता को हम लोग नहीं मानेंगे। हम अपने समाज के हक अधिकार को लड़ाई को लड़ेंगे और अब जाति मुक्त भारत का संकल्प लेकर वहाँ से पूरे देश का भ्रमण करने में निकलूंगा। और आज ही शाम को मैं यहाँ से नागपुर दीक्षा भूमि जा रहा हूँ, कल नागपुर की दीक्षा भूमि में
वहाँ पर भी मैं बाबा साहब को नमन करते हुए उस मिट्टी पर जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी वहाँ भी यही संकल्प दोहराऊंगा और वहाँ से परसों सुबह मैं वहाँ से आगे जाऊँगा चंद्रपुर, वहाँ भी बाबा साहब ने अगले दिन दीक्षा दिलाई थी, वहाँ उस मिट्टी को भी मैं पवित्र भूमि को नमन करूँगा और इसी संकल्प के साथ फिर पूरे देश का भ्रमण का हम लोग पूरे टारगेट के साथ, ताकि भारत में जाति खत्म हो। जिन लोगों का देश के सारे संसाधनों पर कब्जा है वो कभी जाति खत्म करना नहीं चाहते। आरएसएस चीफ ने ये तो कहा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए, चलो शुक्र है हमारे आंदोलन का एक तो फायदा, पहली बार कम से कम आरएसएस ने स्टैंड तो लिया, चाहे ऊपरी मन से लिया झूठे मन से लिया, उसको अब आकार हम लोग देंगे। आप प्लीज ऐसा कोई सवाल ना करें जो राजनीति सवाल हो, अभी केवल धर्म की समाज की बात करें, समाज के अधिकार की बात करें। भारत को न्याय संगत और समतामूलक समाज की नींव रखी, आज भी उनके विचारों से इतनी घृणा क्यों है? भाई देखिए ये एक बात स्पष्ट हो गई है कि सारे मनुवादी लोग बुद्ध के धम्म से डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से डरते भी हैं और उनसे नफरत करते हैं। तो अब ये बाबा साहब का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, विदेश में जाकर कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, ये नहीं चलेगा, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। बुद्ध का धम्म भारत से गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, क्योंकि वो शांति और मानवता का धम्म है, उसे मानने में किसी को दिक्कत क्यों है? मुझे लगता है कि पुलिस को जिस बीजेपी ने भेजा था उसी बीजेपी ने कहा कि अब रहने दो, क्योंकि उसको पता लग गया पूरा देश तैयार है और इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी मुसीबत उनके लिए आने वाली है। उस्ताद में कुछ निकला सर? उस्ताद में वो चाहते थे, ये एक उनका मुख्य सवाल था जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उनका मुख्य सवाल ये था कि क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी क्या उनकी प्रासंगिकता आज भी है? तो मैंने विस्तार से जितना घटनाक्रम हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति जी के साथ भी हुआ, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स के साथ भी हुआ, जिसमें हमारे जजेस के साथ भी हुआ, जिसमें हमारे तमाम ऑफिसर्स के साथ हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, वो सारे घटनाक्रम जुर्म जाति जितनी हुई है सारी घटनाएं बताते हुए मैंने फिर ये बताया कि हाँ आज भी इन 22 प्रतिज्ञाओं की उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी 1956 में थी। मैं पार्टी में हूँ, मैं विधायक हूँ पार्टी से, लेकिन मैं आज कोई राजनीति की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा है, तो आप उसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब तक मेरे सांस में सांस है तब तक मैं पूरे देश का दौरा करके पूरे भारत को जाति मुक्त बनाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं अपने पूरे साथियों के साथ करूंगा। और मुझे खुशी आपको बताते हुए ये हो रही है, अलग अलग पार्टियों के हमारे सांसद विधायक मंत्री फोन भी कर रहे हैं, अंतर मन से वो जुड़ रहे हैं, उनको मुझे लगता है कुछ दिनों में वो निकल के बाहर आएंगे, उनका डर खत्म हो रहा है। आप सब देखते रहिए, कुछ लोग फोन कर रहे हैं और आने वाले समय सबको साथ आना होगा, ये समाज तय करेगा। मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी FIR दर्ज करके मुझे गिरफ्तार करो। तमाम अखबारों में वो खबरें, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मिठाई पहुँचाऊंगा जिस दिन वो मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। देखिए सबसे बड़ा फैसला ये होगा, जो आज का उद्देश्य है ये कोई कुर्सी बचाने का राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है, ये समाज मेरी राजनीति के लिए नहीं आया, ये मुझे मंत्री बनवाने के लिए नहीं आया, ये समाज आया है कि भारत से जाति को उन्मूलन करना है, उसका संकल्प लेने के लिए आया है। लेकिन सर जो घटना आपके साथ घटी है उसमें पार्टी खड़ी नहीं हुई है? आप राजनीतिक सवाल मत कीजिए, पूरा समाज पूरे देश के मनुवादी लोगों को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है, आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। समाज बहुत दुखी है, समाज तो दुख होगा, जो समाज सत्ता में लोगों को बिठाता है उस समाज के साथ जब जब धोखा होगा समाज दुखी होगा, और समाज आने वाले समय में समाज खुद ऐसे लोगों को जवाब देगा जो लोग हमारे साथ जुल्म जाति करेंगे।